अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं उमर बख्त। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब इनाम गनी का हाफजाबाद में लड़की से मुबैना ज्यादती के वाके का नोटिस। आरपीओ गुजरावाला से वाके की रिपोर्ट तलब। मुतासरा लड़की को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाए। आईजी पंजाब इनाम गनी का डेरा गाजी खान में नहरी पानी के तनाजे पर फायरिंग से तीन अफराद के कत्ल के वाके का नोटिस। आरपीओ डेरा गाजी खान से वाके की रिपोर्ट तलब। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। आईजी पंजाब शिकायत सेल 8787 का नंबर तब्दील कर दिया गया है। शहरी अब 1787 पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस से मुतल्लिक किसी भी किस्म की शिकायत हो तो फौरन आईजी पंजाब शिकायत सेल से राब्ता करें। एमडी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन मिराज गुल का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। एनटीसी के वफ्त में जनरल मैनेजर सेंट्रल मोहम्मद सगीर मेहदी और दीगर अफसरान शामिल थे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने वफ्त को अथॉरिटी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की हदायत पर पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन पहल लाइन 11 का क्याम अमल में लाया जा रहा है। एमडी एनटीसी मिराज गुल का कहना है कि पहल लाइन 11 पंजाब सेंटर के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी के तजर्बात से मुस्तफीद हो रहे हैं। सेफ सिटीज अथॉरिटी पंजाब भर में पुकार 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन खुश उसलूबी से चला रही है। सेफ सिटीज के तजर्बात से सीखकर पहल लाइन 11 को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान का कहना था कि पुकार 15 की बदौलत सूबे में पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में नमाया बेहतरी आई है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और नेशनल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन पहल लाइन 11 पर मिलकर काम करेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने एमडी नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन को यादगारी शील्ड पेश की। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 4 साला बच्ची हलाक। निश्तर कॉलोनी पुलिस का एमरजेंसी 15 की कॉल पर फौरी एक्शन। मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से जदीद राइफल पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शाहदरा लाहौर ने गुमशुदा बच्चे तलाश के बाद बुरसा के हवाले कर दिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा मोहम्मद आलम ने अपनी टीम के हमरा दोनों गुमशुदगान को तलाश किया। दोनों गुमशुदगान घरेलू नाराजगी की वजह से बगैर बताए घर से चले गए थे। वैसल टाउन लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान फ्रॉड, धोखाधही और जना के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान मजीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। चौकी फिरदौस मार्केट पुलिस की कार्रवाई। अगवा कार गिरफ्तार। मुलजिम अल्लाह दित्ता 3 साल से अगवा और जना के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। थाना सिटी तांदलियावाला फैसलाबाद का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम मोहम्मद असलम फरोख्त के लिए चर्स ले जाते हुए गिरफ्तार। 2100 ग्राम चर्स बरामद। थाना सिटी तांदलियावाला में मुकदमा दर्ज। थाना कुतुबपुर मुल्तान के इलाके में बच्ची को हरासा करने और थप्पड़ मारकर गिराने वाला मुलजिम शकील गिरफ्तार। सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने वाके का नोटिस लेते हुए मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस।